ये देखिए ये क्या है सब्जी में। हाँ जी गाइस, तो आज मैं हूँ यार 1100 क्वार्टर में, मंदिर के जस्ट सामने, इस्माइली पराठा, जो कि भाई लेडी है प्रियंका जी, उनके सुने यार हाथ के भाई पराठे बहुत मशहूर हैं, तो टेस्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे भाई कैसा टेस्ट है। आ जाओ। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताइए। बताइए मैम, क्या क्या आपके पास वैरायटी और आज क्या खिलाने वाले हैं आप हमें? हमारे पास है आलू पराठा, प्याज पराठा, सेव पराठा, सत्तू, पनीर, अच्छा, दाल और भी वैरायटीज है। क्या बात है, तो ये इतनी सारी पराठों की वैरायटी और आपके यहाँ सिर्फ पराठे ही मिलते हैं ना? जी बहुत सुना यार हमने, जब आप साकेत नगर में लगाती थी वहाँ तो बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ, हमने भी वहीं से तारीफ सुनी है आपकी। सब्जी में आज क्या, बस एंडिंग पे ही है आलू की सब्जी? आलू, टमाटर, प्याज। क्या बात है, यहीं पे बनती है ये सब्जी? यही बनती है, स्टफिंग यही बनती है, आटा यही लगता है, मतलब सारी चीजें जो है भाई आपके सामने ही प्रिपेयर होती है ना? फ्रेश, बिल्कुल। तो क्या खिला रहे हो आज, कौन सा पराठा? अभी हम स्टार्ट करेंगे दाल पराठे से। अच्छा। ये चने की दाल है, इसको बॉईल करके ग्राइंड किया है, और इसमें धनिया, लाल मिर्च, जीरा, नमक पहले से एडेड है। इसमें हमने अभी काट के डाला है प्याज, धनिया और मिर्ची और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, तो इसको आपने मिक्स कर ली, अपना स्टफिंग जो है अपनी रेडी हो रही है पराठे की। मैं तो देखो पंजाबी हूँ तो पराठा लवर, हमारी तो शुरुआत ही जो है पराठे से ही होती है, तो आज भी जरा नाश्ता, शाम का ही नाश्ता वो हम करेंगे पराठों से। जीएनएम नर्सिंग किया है, बट काम करने का मन नहीं था, तो मैं बाहर जॉब करती थी दिल्ली में, वहाँ पराठे बहुत पसंद आए थे मुझे आलू के, तो वहाँ से मैंने पराठे का देखा था कि पराठे जो है रोड पे भी बेचे जा सकते हैं। ये मैं लोई बना रही हूँ, कटोरी बनाएंगे और ये स्टफिंग जो है दाल की ये हम इसमें ऐड करते हैं और इसको पैक कर देंगे। घर में आपने देखा होगा मम्मियाँ भी ऐसे ही भरती हैं, वही तरीका बनाने का जैसे मम्मियाँ घर पे बनाती हैं। पहली बार मैंने दिल्ली में खाया था पराठा, तो वहाँ पराठा सब्जी 20 रुपए में बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ मैं वापस भोपाल आ गई, कोविड में जॉब नहीं मिल रही थी और नर्सिंग किया हुआ था मैंने, पापा ने बहुत फोर्स किया कि नर्सिंग कर में काम कर लो, बट मुझे नहीं करना था। और कुकिंग मेरा पैशन है, खाने से बहुत प्यार है, खाना बनाने से भी और खाने से भी। ये अपना पराठा जो है तवे पे आ गया। फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा क्लाउड किचन कुछ दिन चलाया बट उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट में उतरा जाए। साकेत नगर में मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉल खोला अपना, तो वहां से मैंने शुरू किया, 2 साल साकेत नगर में चलाया, बहुत अच्छा रिस्पांस था, थोड़ा प्रॉब्लम्स थी नगर निगम को और बाकी चीजों को लेके, तो यहाँ शिफ्ट किया अभी, यहाँ अभी मेरे को 1 वीक ही हुआ। 1 वीक ही हुआ, हाँ, ठीक है। तो ये जो पराठा है भाई रेडी हो रहा है अपना, ये आ गया ऊपर से थोड़ा सा ऑयल कम लगाते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है ना तेल में, बाकी अगर किसी को ज्यादा खाना है तो ज्यादा भी लगा देते हैं, जिसको बिल्कुल फ्राई चाहिए तो वैसा भी कर देंगे, बट क्या है थोड़ा सा ऑयल कम लगा ऐसा पराठा क्रिस्प होता है। नहीं यार, लेकिन आप ये साइज चेक करो भाई, बिल्कुल जैसे घर में अपने पराठे बनता है ना वैसा ही, बिल्कुल साइज भी और बिल्कुल बनाने का तरीका भी वैसा ही है, टेस्ट भी आपको करके बताएंगे, अभी तक तो खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। मैंने पराठे का ही सोचा, मैं पराठे मुझे आते भी है बनाना, मैं पराठे स्टार्ट करूंगी, वैसे भी भोपाल में बहुत कम जगह पराठे मिलते हैं। ये लगभग लगभग रेडी हो चुका है। हाँ, ये हमारा पराठा सिक गया, बस साइड से सेकना है क्योंकि कच्चा ना रह जाए। वैसे तो मैं आज आती हूँ 8 बजे, हाँ जी, बट थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह करते 9:15-9:30 हो ही जाता है। ये हो गया अपना रेडी, ये पराठा हमारा रेडी है, मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ। ये इसकी कटिंग हो गई, क्या बात है, ये चने की दाल, चने की दाल है। ये देखिए आप लोग, मेरे मुँह में तो पानी आ गया, अगर आपके मुँह में पानी आया तो फटाफट से कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। ये ट्राई करने वाले हम स्माइली पराठा। हाँ। स्माइली पराठा नाम क्यों रखा आपने? ये मेरे कस्टमर्स का सजेस्ट किया हुआ है। अच्छा, पराठे का के मुस्कुराहट आया थी? नहीं, मैं वहाँ थी ना साकेत नगर में, तो मैं हमेशा हंसती रही, कस्टमर्स बोलते दीदी आपके हंसते थे स्माइली पराठा रखा। नहीं नहीं, आपकी स्माइल सही में बहुत अच्छी है, हमें भी बढ़िया, थैंक यू। नहीं, प्यार से आप खिलाते रहो हमेशा। क्या प्राइस है प्लेट का वो बता दीजिएगा, और क्या क्या आने वाला है ये भी बता दीजिएगा भैया। अलग अलग रेट है अलग अलग पराठों के। ये दाल पराठा जो है ये 79 का है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसमें रखूंगी टिश्यू, क्योंकि पराठा गरम है। ये आया पराठा, ये अपने पराठे आ गए। हाँ, सबसे पहले पराठा, और एक ही पराठा आता है? नहीं, एक प्लेट में 2 पराठे। ये आ गई है सब्जी। हाँ जी, ये देखो जी आ गई इनकी आलू की सब्जी, आलू टमाटर, सब्जियाँ बदलती रहती है रोज, कस्टमर्स को बोर नहीं होना चाहिए। क्या बात है, ये है हमारी चटनी, ये होममेड चटनी है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या डालते हो आप? ये इसमें अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, धनिया, सारा खेल इसी का है। हाँ, मेनली चटनी का ही है। क्या बात है, साथ तो भाई देख रहे हो आप, बिल्कुल प्लेट जो है अपनी लग रही है और मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, ये आगे अचार। ये घर का बना हुआ नहीं है, मार्केट का है। अच्छा, चटनी हम घर पे बनाते। और क्या आ रहा है इसमें प्लेट में? ये है रायता। अच्छा जी,
तो मतलब ये पूरी प्लेट में ये कॉम्बो है अपना। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आप चाहे तो इसके साथ बटर भी ले सकते हैं या बटर में भी बनवा सकते हैं। ये आपकी प्लेट हो गई रेडी। सब्जी चेंज होती रहती, कभी आलू मटर बनता है, कभी आलू छोले बनते हैं, कभी गोभी बना ली, कभी सेव बना लिया, कभी कभी कढ़ी भी बना ली। प्राइस सेम रहेगा, सब्जियाँ बदलती रहती है। क्या बात है। प्रियंका जी के हाथ के जो बने पराठे, पूरी प्लेट है, इसका क्या प्राइस है? 79 में आपको पराठे मिलेंगे, दो पराठे, आलू की सब्जी होगी, दूसरी भी सब्जी हो सकती है, चटनी होगी, अचार हो गया, और एक ग्लास ये आ गया जी रायता। क्या बात है। तो टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। एक और कोई सा पराठा आप हमें खिलाएंगे जी, इसके बाद मैं आपको पनीर खिलाती हूँ। हाँ जी गाइस, तो आपके फूडी बाजी ये करने लग गए हैं दाल के पराठे का टेस्ट। ये देखिए आप स्टफिंग, ये चने की दाल है, इसको पीसा हुआ है, प्याज हरी मिर्च और धनिया वगैरह डाल के स्टफिंग करी है उसकी, तो लेयर्स बहुत अच्छी लग रही है, स्टफिंग बहुत अच्छी लग रही है। अपन इसको करते हैं टेस्ट। आलू की सब्जी, मुँह में पानी आ रहा है, प्याज अचार चटनी, तो आ जाइए। ये देखिए ये क्या है सब्जी में, कुछ नहीं, जीरा है। ये आ गया, ये आ गए अपनी बाइट तैयार हुई। प्याज पंजाबियों की आन बान शान है, सुबह के नाश्ते में पराठा। आलू प्याज गोभी पनीर के पराठे तो अपन ने बहुत टेस्ट करे और अच्छे भी लगते हैं, बट ये पराठा कुछ यूनिक था और बहुत ही अच्छा है टेस्ट में। हल्का सा स्पाइसी, हल्का सा चटपटा फ्लेवर है, तो खा के मज़ा आ जाएगा आपको। अगर यहाँ पे आना है आपको तो 1100 क्वार्टर वाली लाइन है हनुमान मंदिर के जस्ट सामने, तो आइए और अच्छे अच्छे पराठों का टेस्ट का मजा लीजिए। हाँ जी मैम, तो क्या रेडी कर रहे हो अब, ये बताइए आप कौन सा पराठा? ये अब हम बना रहे हैं पनीर पराठा। पनीर पराठा जो है ये सिर्फ ऑर्डर पे बनता है, तो इसके लिए हम पहले से स्टफिंग नहीं बना के रखते, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसके सामने ही चीजें बनाते हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले प्याज आ गए हैं। हाँ, ये सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा धनिया। अभी इस समय धनिया और टमाटर बहुत महंगे है। हाँ बहुत महंगे, लेकिन तो भी आप खिला रहे हो। ये पनीर आ गया भाई, पनीर। ये हम पैकेट वाला नहीं लाते, डेरी से लाते हो। हाँ। क्या बात है। तो ये भाई पनीर आ गया और पनीर को पूरा मैश कर लिया गया है। क्या बात है। ये आपके सामने जो है इसकी पूरी प्रिपरेशन है जो हो रही है। ये आ गया भाई प्याज और हरा धनिया ऊपर से, और मिर्च। लो भाई ये गरम मसाला भी आ गया, ये स्पाइसी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी डाल। लो भाई नमक आ गया। ये देखो भाई पनीर की स्टफिंग जो है रेडी हो चुकी है। आप 5 बजे समाप्त कर देते हो ना? इवनिंग में सबको चाइनीज खाना है, अब लोग शाम को आएंगे तो फिर मैं इवनिंग में भी खोल लिया करूंगी। क्या बात है। अब आएगा इसमें पनीर की जो स्टफिंग है, इसमें एक बार में कम से कम 100 ग्राम पनीर आता है। अच्छा, तो ये 100 ग्राम पनीर आ चुका है। बहुत कुछ इसके साथ साथ आपको कोई शौक? बहुत बड़ी फूडी हूँ मैं खाने के, कहीं भी जा सकती हूँ। अच्छा जी। हाँ, लास्ट टाइम मुझे अमृतसरी कुलचा ट्राई करना था, तो मैंने 6 महीने पापा से जिद की और फिर उसके बाद अब अकेले तो जाने नहीं देते हैं। हाँ जी। तो साथ में फिर पापा हम लोग को अमृतसर लेके गए। अच्छा, आप अमृतसरी कुलचे के लिए अमृतसर चले गए? हाँ। इतने बड़े फूडी हो। हाँ। हमसे भी बड़े फूडी हो आप। मैं बहुत जिद कर रखी थी, मैंने अमृतसर गए फिर वहाँ कुलचा खाया, गुरुद्वारे गए, मजा आया, बाघा बॉर्डर में बहुत मजा आया। ये लो जी आ गया अपना पराठा तवे पे, 5 मिनट, 10 मिनट भी ज्यादा बोल रही है, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा पनीर का पराठा। टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। हाफ जो है रेडी हो चुका है और अब इसमें जाएगा हल्का हल्का ऑयल। अगर किसी को बटर में चाहिए तो आप वो भी कर बटर में भी मिल जाएगा, आप एक्स्ट्रा बटर आपको खाना है तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा जी। हाँ। उसका चार्ज रहेगा? हाँ, चार्ज बटर का अलग से खाने के लिए चार्ज है और अलग से बटर लगवाते तो चार्ज है। ये देखो जी पराठे की आप शक्ल देखो, जो बिल्कुल ही बदल चुकी है और पराठा फूल भी गया है। फूल भी गया है पराठा। क्या बात है। ये देखो आप बढ़िया, थोड़ी देर में इसको अपन टेस्ट करेंगे और खा के बताएंगे आप। क्या बात है। ये आ गई भाई सब्जी, वही आलू की। ये आ गई आपकी स्पेशल बनाई हुई घर की चटनी। जो लोग साकेत नगर में जिनने पराठा खाया है वो फैन है इस चटनी। क्या बात है। नहीं आज हम भी फैन हो जाएंगे मुझे लग रहा है, एक बार नहीं बार बार ही आना पड़ेगा आपके पास। ये आ गया अचार। अचार ये भाई हर प्लेट के साथ जो आती है भाई छाछ की। अगर ये छाछ का गिलास अपन को अलग से चाहिए तो उसका चार्ज 10 रुपए गिलास। ये साची का मठा है। तो ये देखिए भाई अपनी मील फिर से रेडी होगी, इसमें आ गया गिलास छाछ का, अचार, सब्जी, चटनी, पराठा। तो डन है। डन। सर हम अब करने वाले हैं इनका नेक्स्ट पराठा जो है भाई पनीर का, जो की अब 89 रुपीज की प्लेट है। इसमें आपको पराठा मिलेगा पनीर का, जिसमें बढ़िया भाई 100 से 150 ग्राम पनीर होगा और सब्जी है इनकी, चटनी, प्याज, अचार और भाई ये छाछ का। ठंडी ठंडी चाट पी के तो मजा आ गया। पराठा ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर की स्टफिंग दिखाता हूँ। ये दिखाने की नहीं भाई, सही में भी इसमें पनीर डाला है। ये देखो आप बढ़िया इसमें पनीर डाला गया है। पराठा ट्राई करते हैं जरा। देखो आगे हल्की सी अपनी सब्जी, बढ़िया चटनी भी ले ली, ये प्याज रखे।
बहुत बढ़िया, जैसा घर में पनीर का पराठा खाते हैं वैसा ही, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हुआ है, बहुत टेस्टी लग रहा है भाई। मुँह में ऐसा नहीं कि पनीर का स्वाद नहीं आ रहा, पनीर का स्वाद आ रहा है। यहाँ पे आ रहे हो हेल्थ क्वार्टर पे तो स्माइली पराठे पे आइए, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको मैम मिलेंगी, बढ़िया मैम के हाथों के प्यारे प्यारे पराठे खाइए और मजा उठाइए पराठों का, मजा आ जाएगा आपको। इसी बात पे वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लेके आए। स्ट्रीट फूड दिखाया आपको, स्ट्रीट पे बैठ के खा रहे हैं, यही असली स्ट्रीट फूड है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरी बाजी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।